दोस्तों, स्टडी विथ इंस्पेक्टर में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ाने वाले हैं कैलकुलेशन का निचोड़, जो कि सबसे पहले रहेगा परफेक्ट स्क्वायर का। तो 1 से 35 तक का हम लोग स्क्वायर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते ही है बचपन से कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का स्क्वायर हो गया 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 169, 14 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 17 का स्क्वायर हो गया 289, 18 का स्क्वायर हो गया 324, 19 का स्क्वायर हो गया 361, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441, 22 का स्क्वायर हो गया 484, 23 का स्क्वायर हो गया 529, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 27 का 729, 28 का 784, 26 का स्क्वायर 676, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900, फिर 31 का स्क्वायर 961, फिर 32 का 1024, 33 का हो गया 1089, 34 का स्क्वायर हो गया 1156 और 35 का स्क्वायर हो गया 1225। तो दोस्तों, हम लोग 1 से 35 तक का जनरली याद करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि इसका यूनिट सम क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो जनरली दोस्तों, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो रहा है, नहीं तो 4 हो रहा है, नहीं तो 9 हो रहा है, नहीं तो 6 हो रहा है, नहीं तो 5 हो रहा है। क्योंकि इसका जब भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट जब भी आएगा, तो यूनिट डिजिट कोई भी हो, यूनिट डिजिट जब भी आएगा परफेक्ट स्क्वायर का, तो या तो 00 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, और नहीं तो 1, 4, 6, 9, 5 और 9, इतना ही आएगा। और जब भी हम लोग इसका डिजिट सम करेंगे, डिजिट सम जब भी करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का, तो वो आएगा 1, 4, 7 और 9 आएगा। क्योंकि इसमें भी हम किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट किस 28 का स्क्वायर 784 है, 28 का स्क्वायर 784 है, तो हम लोग इसके डिजिट सम करेंगे तो 7 और 8, 15 और 15 और 4, 19, 19, 1 और 9, यानी 10, 10 हो गया, और 10, 1+0 यानी 1। तो ऐसा डिजिट सब जब भी हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा, और नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 7 आएगा, नहीं तो 9 आएगा, ये रूल है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी संख्या का, चाहे वो 50 से ऊपर हो, चाहे 50 के अंडर, सपोज दैट कि मान लीजिए कि हमको 75 का ही स्क्वायर निकालना है, 55 का ही स्क्वायर निकालना है, जैसे स्क्वायर हम लोग उसका निकालेंगे जिसका एंडिंग विथ 5 से होगा। जैसे कि 55 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 55 का स्क्वायर हम लोग निकालने के लिए 5 का स्क्वायर कर दिए तो 25 हो गया, और 55 है तो 5 गुने 6,
यानी 325 हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग सपोज दैट 35 का ही स्क्वायर अगर 1225 होता है तो कैसे होता है, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3, तो 3 × 4 यानी 12। फिर उसी प्रकार से 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और फिर 4 और गुने 5 यानी 225। फिर ऐसा एंडिंग विथ 5 नंबर से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। 85 का स्क्वायर ही हुआ है तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 × 9 एक संख्या बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर 85 है तो यहाँ पर 8 × 9 कर देंगे यानी 7225 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कि सपोज दैट कि अगर हम 5 से अंत हो रहा है उसका निकाल लिए, लेकिन अगर हमको निकालना रहेगा कि सपोज दैट कि हमको निकालना है 74 का स्क्वायर और निकालना है कि 82 का स्क्वायर, निकालना है मान लीजिए कि 76 का ही स्क्वायर, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है कि एन स्क्वायर एंड एन प्लस माइनस 50m, एन प्लस माइनस 50m का स्क्वायर जो होता है एंड्स विथ सेम 2 डिजिट। एन स्क्वायर एंड एन प्लस माइनस 50m का स्क्वायर एंड्स विथ सेम 2 डिजिट। सपोज दैट कि हम लोग 74 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि 74 में कितना ऐड होगा, यानी 50 यानी 24 प्लस 50 × 1 तो यानी 74 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो इसमें जो 74 का स्क्वायर निकालेंगे ना वो से इंड्स विथ सेम 2 डिजिट होगा, यानी इसके भी 74 के स्क्वायर में भी 76 आएगा, बट आगे क्या आएगा ये अब हम बताएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 50 में हम लोग कितना ऐड किए, तो 50 में हम लोग 24 ऐड किए हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 50 प्लस 24 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 74 में प्लस 24 कर देंगे तो कितना हो गया 74 प्लस 24 यानी ये हो गया 98। और चूंकि यहाँ पर बेस हम लोग 50 ले रहे हैं, चूंकि 50 बेस ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर हाफ कर देंगे, ये जो भी आएगा 98 का हाफ कर देंगे, तो 98 का हाफ यानी 49 हो गया। तो इसका 24 का स्क्वायर 576 और ये वाला जो 5 होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे और फिर 49 और 5 यानी 54, यानी इसका जो भी आएगा वो 5476 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सपोज दैट कि हम लोग 76 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 76 का स्क्वायर किसके नज़दीक में है, 100 के नज़दीक में है, तो यहाँ पर बेस हम लोग 100 ले लेंगे। तो बेस अगर 100 ले लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 100 माइनस 24 कर रहे हैं तो जाके 76 आ रहा है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576 हुआ, तो 5 हम लोग ऊपर लिख लेंगे और 76 यहाँ पर आ गया। और बाद बाकी 76 में से 24 हम लोग घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो 76 माइनस 24 करेंगे तो कितना हो गया 52 हो गया। तो हम लोग 52 चूँकि बेस 100 है तो फिर हम लोग इसमें कोई भी अंक से गुना नहीं करेंगे, मात्र 1 से गुना करेंगे, तो 52 में 1 से गुना करेंगे तो 52 ही होगा, तो 52 यानी इसका कितना हो गया 52 और प्लस 5 यानी 5776। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं।